हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग व्लॉग। सो आज हम लोग जा रहे हैं चितई मंदिर, तो उसका मैं आज आपके साथ व्लॉग शेयर करूंगी। एंड मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने पहना है ये वाला कुर्ता और कुर्ता प्लाजो, काफ़ी अच्छा ये कुर्ता है, ठीक है। तो ये मैंने पहना है एंड अभी चलते हैं, सब रेडी हो गए, काफ़ी लेट हो गया है, तो चलते हैं और आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या हम कर रहे हैं, कहाँ हम जा रहे हैं घूमने, वो सब मैं आपको बताऊंगी। अभी मैंने इयररिंग नहीं पहने, गाड़ी में ही पहनूंगी और सब सेट है और चलते हैं, सब रेडी हो गए हैं बाहर। काफ़ी सारे लोगों को डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है एंड कई सारे लोगों को ये प्रॉब्लम बॉडी पे भी होती है। तो क्या आपके भी बॉडी पे डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन है एंड आपको समझ नहीं आता कि आप ऐसे कौन से प्रोडक्ट यूज़ करें जो कि आपके डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन को ट्रीट करें? तो अगर आप लोगों को ये सारी प्रॉब्लम है तो आप ट्राई कर सकते हो द डर्माकोका 1% कोजिक एसिड डेली ब्राइटनिंग बॉडी वॉश। इसमें आपको कोजिक एसिड मिल जाता है, अल्फा अर्बिटिन मिल जाता है, पेंटा वाइटिन भी मिल जाता है। सो इस बॉडी वॉश में आपको पावर मिल जाती है 2 एक्टिव्स की, जो कि है 1% कोजिक एसिड एंड अल्फा अर्बिटिन, जो कि आपके पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करते हैं एंड आपकी स्किन को इवन बनाते हैं। सो ये बॉडी वॉश हेल्प करता है आपके पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करने में एंड आपकी स्किन को इवन बनाता है। एंड साथ ही साथ ये बॉडी वॉश आपको 24 आवर्स तक हाइड्रेशन भी देता है एंड ये डीपली क्लींस करता है और आपकी स्किन को ब्राइटन भी बनाता है। सो अगर आपको डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है बॉडी पे तो आप ये बॉडी वॉश ट्राई कर सकते हैं। और आपको 3 और वेरिएंट मिल जाएंगे डर्माको में डिफरेंट स्किन कंसर्न के लिए। सबसे पहला है सेल सेलेक्ट बॉडी वॉश फॉर रफ एंड बम्पी स्किन, सेकेंड है विटामिन सी बॉडी वॉश फॉर स्किन रेडियंस, थर्ड है सेरामाइड ओट्स बॉडी वॉश फॉर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन। सो अगर आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम है देन आप ये बॉडी वॉश ट्राई कर सकते हो। इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग जरूर से चेकआउट करिएगा। एंड आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो जो कि है BABO2023, जिसपे आपको 20% ऑफ मिलेगा द डर्माको की ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड आप इन प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हो Amazon, नायका, फ्लिपकार्ट, द डर्माको की ऑफिशियल वेबसाइट से। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग जरूर से चेकआउट करिएगा। तो अभी जो है हम लोग निकल चुके हैं, हम लोगों ने चश्मा लगा लिया है, भाभी जा रही है आगे। अरे आज तो मैं ही जाऊँगी, मुझे आदत हो गई है यहाँ चलने की, आगे आगे जा रही हैं। और फिर नीचे गाड़ी है हमारी, उस पर बैठ के हम लोग निकलेंगे, पीछे से दादी लोग आ रहे हैं सब। तो मैंने यहाँ पे इयर रिंग पहन ली है और मम्मी लोग पीछे से आ रहे हैं, हम लोग तो नीचे आ गए हैं, पहुँच गए हैं गाड़ी के पास जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है। अब मम्मी लोगों का इंतज़ार है, फिर हम लोग निकलेंगे आगे। तो हम लोग बैठ गए गाड़ी में और अब हम लोग निकल रहे हैं आगे की तरफ। लास्ट फोन मुझे दे दो, तुम मत कनेक्ट करना बार बार। तो हम लोग पहुंच गए चितई मंदिर और भैया लोग अभी पार्किंग बाइक गाड़ी की पार्किंग के लिए गए हैं आगे। और इस तरीके से इधर मंदिर है, आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रसाद वगैरह लेंगे और फिर दर्शन करेंगे आगे। सो ये है एंट्री चितई मंदिर की और यहाँ से मतलब घंटी घंटी लगी हुई है, यहाँ सारी दुकानें लगी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इधर। मम्मी और दादी इधर बैठे हैं। नारियल पन्नी भी इसके सो अभी मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ भैया भाभी और पापा का, वो लोग आ रहे हैं, हम लोग अंदर जाएंगे, मैं मम्मी लोग अंदर चले गए हैं। यहाँ से एंट्री है मंदिर की, तो यहाँ पे भाभी भी आ गई है और अब हम लोग चल रहे हैं मंदिर की तरफ। लेट्स गो। सो इस तरीके में तो इतनी सारी घंटियाँ हैं, कुछ
इतनी लंबी यहाँ पे भीड़ लगी है, लाइन लगी है, आप देख सकते हो इतनी लंबी लाइन लगी है यहाँ पे। तो अभी हम लोग लाइन पे खड़े हैं और काफ़ी लंबी लाइन है यहाँ पे लगी हुई है, वहाँ तक लगी है। काफ़ी देर में नंबर आने वाला है हम लोगों का आज लग रहा है, तो देखो वेट कर रहे हैं, चल रहे हैं, धीरे धीरे सब आगे बढ़ रहे हैं, तो थोड़ी देर में नंबर आ जाएगा हमारा। क्या चीज़? बहुत देर हो गई, जो भी आए था टाइम से आए, हम बहुत लेट आए थे। सुबह सुबह भीड़ नहीं मिलेगी। दो लेके गया बंदर ने, यहाँ पे प्रसाद छीन लिया है और लेके जा रहा है यहाँ पे, देखो दूसरा आया। हाँ फाइनली हम लोग थोड़ा सा आगे आए हैं यहाँ पे, इधर से बहुत भीड़ है, पीछे इतनी लंबी लाइन लगी है। फाइनली हम लोगों का नंबर आने वाला है अभी थोड़ी देर में, थोड़ी सी लाइन बची है आगे, आ गए अंदर। तो अभी जो है हमारे दर्शन हो गए हैं, अब हम लोग निकल रहे हैं, दूसरे मंदिर में भी जाएंगे, तो वहाँ जाके मैं आप लोगों को मिलती हूँ। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो हम लोगों के दर्शन हो गए हैं यहाँ से, और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, और वहाँ पे जाके हम दूसरे मंदिर जाएंगे, तो वहाँ जाते हैं और फिर वो दर्शन करते हैं। सो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं दूसरे मंदिर, ये वाला मंदिर है, यहाँ पे अभी हम लोग पूजा करेंगे, उसके बाद शायद से हम लोग जागेश्वर जाएंगे और वहाँ के दर्शन करेंगे, तो फटाफट से यहाँ के दर्शन करते हैं फिर चलते हैं। सो हम लोगों के दर्शन हो गए हैं, अब जो है थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं, काफ़ी प्यास लग रही थी इसलिए, तो ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम लोग पी रहे हैं। पीछे का व्यू इतना अच्छा है ना, आप देख सकते हो कितना मस्त व्यू है, बहुत ही सही व्यू है, तो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, थोड़ा इन्जॉय करते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ी वीडियोस बनाई जो कि आप लोगों ने देखी होगी मेरे इंस्टाग्राम पे, स्लोमो बनाए थे, फिर हम निकल गए थे आगे घर की तरफ। तो हम लोग ये दर्शन हो गए हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर हम लोग घर की तरफ निकलेंगे। तो गाइस हम लोग यहाँ पे कुछ खाने के लिए रुके हैं, अब खाना खाते हैं, सुबह से कुछ भी नहीं खाया हमने, तो अभी जो है हम लोग यहाँ पे कुछ खाएँगे। अब यहाँ पे मेन्यू आ गया, तो देखते हैं क्या क्या हम मंगाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। छोले भटूरे, छोले भटूरे चेक करना, छोले भटूरे बन जाएंगे है, तो एक प्लेट छोले भटूरे। तो अभी मैंने ऑर्डर करा है छोले भटूरे और हमने मोमो मंगाए थे, मोमो काफ़ी अच्छे हैं पर मिर्ची बहुत है उन मोमो में, हमने ख़त्म भी कर दी थी मोमो की। तो यहाँ पे मेरे छोले भटूरे आ गए हैं, अब मैं इसे खाऊंगी, काफ़ी सही दिख रहा है, रायता भी है। तो यहाँ पे हमने जो जो ऑर्डर करा था वो हम लोगों ने खाया अपना अपना, और बहुत भूख लग रही थी क्योंकि सुबह से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था, मंदिर गए थे इस वजह से कुछ खा के नहीं गए थे, तो इसलिए अब जो हमें मिला वो हमने खा लिया, उसके बाद आगे हम घर की तरफ निकल गए थे। तो हम लोगों का खाना पीना हो गया था और अभी हम लोग थोड़ा सा आगे आ गए हैं, यहाँ से हम लोग कुछ सामान लेना है वो लेंगे, थोड़ा कुछ खाने का देख रहे हैं वो खाएंगे और फिर हम लोग घर की तरफ निकलेंगे, काफ़ी लेट हो गया है। सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं घर और यहाँ पे मतलब रोड पे पहुंच गए हैं, भैया यहाँ पे पार्किंग करेगा, इसके बाद हमें जाना बहुत ऊपर, चढ़ाई चढ़नी है, तो वो करते हैं। और मौसम इतना बढ़िया हो गया ना, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छा है।
गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। तो उस दिन मैं जो है लास्ट का व्लॉग जो है शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि शायद से बहुत देर हो गई थी पता नहीं, या फिर वीडियो कहीं मिस हो गई है वो मुझे पता नहीं, तो मुझे नहीं मिल रहा था। तो फिलहाल मैंने सोचा कि अभी फटाफट से शूट कर देती हूँ। सो ये था चितई व्लॉग, आई होप आप सबको पसंद आया होगा एंड अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा ये व्लॉग तो मेक श्योर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, एंड वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर से करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, उसके साइड में जो बेल आइकन होगा उसको भी जोर से प्रेस करिएगा ताकि आपसे ऐसी वीडियो मिस ना हो एंड आप वीडियो सबसे पहले देख पाए। सो गाइस मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।